अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं बनाने जा रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। तो वही मैंने सोचा मैं चलो आपको यही दिखा देती हूँ आज मैं ब्लॉग में कि मैं किस तरह से बना रही हूँ, क्योंकि मैं भी इस तरह से पहली बार ही बना रही हूँ। ये पनीर मैं लेके आ गई थी और इसको मैं वही अपने नॉर्मल अपने हिसाब से अपने पीस कट कर लूँ। और मुझे दिक्कत हो रही थी फ्रेंड्स, क्योंकि मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ हुई थी, मतलब मोबाइल पकड़ी थी, एक हाथ से काट रही थी, तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। खैर आप इसको इग्नोर करना, बस मेरी मेहनत देखना कि मैं एक हाथ से, फिर मैंने साथ को बुला लिया, मैं कि साथ इस टाइम मसाले डालूंगी, मेरे को दोनों हाथ चाहिए, तो एक काम कर तू मेरा मोबाइल पकड़ और फिर मसाला डाल रही हूँ। फिर दही देखो, मैंने आधी दही ले रही थी, 100 ग्राम करीब दही थी, 100 ग्राम से ज़्यादा ही दही थी, इतना अंदाज़ा नहीं है मुझे, अपने अंदाज से लिया था मैंने। इसके अंदर मैंने मसाला डाला था, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और ये मसाले में डब्बा भर के रखा ना, ये ना मैगी मसाला है, पापा से मैंने ज़्यादा मंगा लिया था। वो छोटे छोटे पाउच मंगाओ ना फ्रेंड, वो ख़त्म हो जाते हैं जल्दी, तो पापा ने मुझे बड़ा पाउच ला के दे दिया था, तो मैंने डब्बे में भर लिया था। और ये लाल मिर्ची थी, ये मैंने अपने हिसाब से डाला है, आप अपने हिसाब से डालना। ये पनीर के टुकड़े करके रख लिए थे मैंने, और ये हरी मिर्ची भी रख ली थी बाजू में, इसको मैं लास्ट में डालूंगी। तो बस मैं थोड़ी थोड़ी तैयारी कर रही थी अपने बनाने की। तो इसको ना दही में ना सब सारे मसाले आप मिला के अच्छे से फैट लेना, ताकि दही मसाला सब एक साथ हो जाए। ये देखो सामने वो रखा हुआ है, ये इसके अंदर ना खोपरे की बुग्गी आती है ना, वो भी डाली थी मैंने, बस वो साथ जद्दी में था तो मैंने दिखा नहीं पाई आपको, वो मैंने डाली है। नमक डाला है अपने अपने हिसाब से, बाकी आप अपने हिसाब से डालना। मैगी मसाले में नमक होता है ना, तो आप नमक को ना ज़रा समझ के डालना, बाद में भी कम होगा तो आप डाल सकते हो। तो नमक मिला के अच्छे से दही को मसाला मिला के आप साइड में रख देना। अब भी आप तेल डालो, तेल भी आप अच्छे से लेना, क्योंकि पनीर की सब्जी में या सब्जी में जब तक तेल अच्छे से ना हो ना, तो ना सब्जी खाने का मज़ा नहीं आता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये तेल है, और इसी गर्म जब गर्म हो जाएगा तो आप इसमें ज़ीरा डाल देना। उसके बाद वो जो बारीक प्याज काटी थी मैंने, बारीक काटी थी, आप भी बारीक ही काटना, और अगर पीस के डालना चाहते हो तो पीस के डाल देना, मैं तो बारीक करके डालती हूँ, इससे कि ना मसाला एकदम ठीक कटे, ठीक हो जाता है, अच्छा सा हो जाता है। तो वही कभी ना कैमरा ना मेरा आगे मोबाइल आगे पीछे हो जा रहा है, क्योंकि अनकंफर्टेबल हो रही थी मैं, कभी कढ़ाई को देख रही थी, मोबाइल को देख रही थी, बर्तन पकड़ रही थी, तो फ़ोन ना आगे पीछे हो रहा था। इसको आप ना थोड़ा सा वो करना, और क्योंकि इतनी परफेक्ट नहीं हो कि वो जो जो होते हैं ना खाना पकाने वाले शेफ़ होते हैं, उनको बराबर कैमरा रखते हैं, मोबाइल रखते हैं, उनको पता होता है, जजमेंट होता है कि हमें किधर मोबाइल रखना है, किधर कैसी चीज़ें दिखानी है। अभी मैं इसमें इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ। और अदरक लहसुन मेरे पास ना ख़त्म हो गया था, तो ये पापा के पास गई थी दुकान पर मैं, तो ये पैकेट वाला अदरक लहसुन मैंने प्याज ये भून गई थी ना, ज़्यादा नहीं भूननी है, काली नहीं करनी है, लाल भी नहीं करनी है, बस हल्की सी भूननी है। उसके बाद में मैंने अदरक लहसुन डाल दिया था प्याज के अंदर, जब वो भून गया था ना, तो उसके बाद मैंने ये वाला सारा मसाला जो तैयार करके रखी थी मैंने, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और डाल के आपको संभाल के डालना है, क्योंकि गैस मंदी कर देना, क्योंकि फिर वो उछलती है, वो मसाला उछलता है। तो एक हाथ से डाल दी ना, तो मसाला आधा उसमें रह गया, फिर मैंने मोबाइल कट किया, फिर दोबारा सारा मसाला उसके अंदर साफ़ करके मैंने डाला, क्योंकि मैं थोड़ा सा मसाला रह जाएगा तो मतलब नहीं ना फेंकने में चले जाएगा, इससे अच्छा आप अच्छे से बर्तन को पोंछ के, तो कितना मसाला था सारा पोंछ के मैंने फिर डाल दिया था। और अच्छे से हिलाना, चलाते रहना जब तक कि मसाले के अंदर ही खटकी सी नहीं आ, जो खटकी आ रही है ना, ऐसी खटकी आ जाएगी ना, तो मसाले को जब तक आपको अच्छे से भूनना है, रुकना नहीं है, थोड़ी देर तो आपको भूनना ही है। और उसके बाद ना मैंने इसके अंदर ना मटर भी डाल दिए थे फ्रेंड्स, मैंने कोई फ्रोजन वाले मटर थी, वो मटर भी मैंने सोचा इसके अंदर अच्छे से और गल जाएंगे, ये मटर मैंने फ्रोजन मटर थे, पानी में धोने के लिए रख दिए थे। इसके बाद मैंने इसको अंदर डाल दिए थे, थोड़ी देर बाद डाले थे, पहले मसाला हल्का आधा भूना था, और साथ में ये अब मेरी आदत है, मैं किचन भी साफ़ करती रहती हूँ, तो ये छींटे आ गई थी ना तेल की, मसाले की, तो वो मेरी आदत है, मैं काम करते करते किचन को भी साफ़ करती रहती हूँ, ताकि किचन ना ज़्यादा गंदा ना लगे, बस एक मेरी आदत है, एक काम एक साथ 10 काम कर लेती हूँ मैं। और ये देखो, ये तो मैंने, ये तो मस्त है, ज़रूरी है फ्रेंड डालना, रेस्टोरेंट वाला स्टाइल, रेस्टोरेंट वाली आपके अंदर स्वाद आ जाएगा आपकी सब्ज़ी में, मटर पनीर में। ये कसूरी मेथी है, आसानी से हर जगह मिल जाती है, ये इसके अंदर मसाला भूनते में मैंने डाल दिया था, तो मैं वही प्रॉब्लम हो रही थी, एक हाथ से बना रही थी तो डाल दी थी, तो मैंने डाल दिया था, बाद में आपको बता रही हूँ, ज़रूर डालना फ्रेंड, इतनी अच्छी माशाल्लाह से खुशबू आ रही थी मेरी किचन के अंदर, एकदम रेस्टोरेंट वाली, उससे भी अच्छी। वो डाल के आप, और उसके बाद ये मैंने ये मसाला भून गया था, वो मटर भी गल गया उसके अंदर, तो उसके बाद मैंने ये सारा पनीर डाला। पनीर मैं ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि साथ ना पनीर बहुत शौक से खाता है, शौक से खाता है, उसको बहुत पसंद है। तो पनीर पहले मैं आधा डालने वाली थी, मैंने सोचा आधा मटर पुलाव में डालूंगी, फिर मैंने सोचा मैं कि वो खाने बैठेगा तो पनीर ही पनीर मांगेगा, फिर मैं दोबारा फ्रिज में से निकाल के पनीर सारा डाल दिया। बीच बीच में ये बोतल भी भर रही थी मैं, साथ के स्कूल की बोतल में रात में भर के रख देती हूँ, ताकि सुबह जब फ्रिज आसानी हो जाती है, फ्रिज में ठंडा पानी मिल जाता है, वो बैग में रख के आराम से ले जाता है। तो बीच बीच में मैं बहुत सारे काम करती जा रही थी फ्रेंड, इस बीच बीच में ना आटा भी गूंदा सुबह के लिए, नाश्ते के लिए आटा गूंद के उसको फ्रिज में लगा दिया, फिर ये बोतल भर दी, उसके बाद ये मेरी सब्ज़ी फाइनल तैयार हो गई। देखो माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है, इसको मैंने टेस्ट भी कर लिया था, नमक मिर्ची सब कुछ बराबर था,
इसको हल्का सा जब टेस्ट मसाला पानी डाला था ना, टेस्ट डल गया था। और बाकी आप देख लेना पानी आप कितना डालना चाहते हो। अब मैंने तो अपने हिसाब से डाला, आप अपने हिसाब से डाल लेना। ये हरी मिर्च थी, ये तीखी बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स, ये मोटी वाली मिर्च है, तीखी ज़रा भी नहीं है, इससे टेस्ट बढ़ जाता है। तो लास्ट में ऊपर से आप ये डाल देना, हरा धनिया डाल देना। हरा धनिया भी खत्म हो गया था मेरे घर पर, वो भी नहीं डाला मैंने, आप डाल देना ठीक है। और हरी मिर्च डाल के बस खाओ, पराठों के संग खाओ, रोटी के संग खाओ। वैसे पराठे के संग बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड, पराठों के संग आप खाना है इसको। सुबह में मैं पराठे ही बनाने वाली हूँ, उसके संग अभी नहीं बनाऊंगी, सुबह बनाऊंगी पराठे। तो लास्ट में ये मैं किचन देखो एकदम साफ़ कर ली थी मैंने, बीच बीच में काम सारा करती जा रही थी। बर्तन भी मैंने सारे धो के रख दिए थे, ताकि कोई बर्तन धो, एक भी बर्तन नहीं है, सब बर्तन मैंने धो के रख दिए थे। किचन को साफ़ कर दी, आटा गूंथ के लगा दी।